कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज से, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है। और फ्रेंड्स ये मेरी 30 मिनट एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। 30 से ज़्यादा भी हो जाती है बट कम कभी नहीं होती है, क्योंकि हर एक्सरसाइज फ्रेंड मैं 5 से 7 मिनट ज़रूर करती हूँ और 30 या 40 के सेट करती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। जब इससे ही मेरा लोअर बैली फैट है वो इसी एक्सरसाइज से कम हुआ है। और फ्रेंड्स मेरे पास ना कमेंट आया था कि ये सेट का क्या मतलब होता है या 20 से 30 सेट क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स आगे मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि अभी मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ और इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं आप सबके कि हम भी वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके मेरे को। और कमेंट आता है कि फ्रेंड्स आपकी वीडियो बहुत ही बेस्ट होती है, आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड, क्योंकि जो मेरी मेहनत है वो सक्सेस हो जाए फ्रेंड, बस मैं यही चाहती हूँ आप सबका जीवन ज़िंदगी बदल जाए मेरी इस वीडियो से, आपका मोटापा घट जाए बिल्कुल ही जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो दिखे आप फ्रेंड्स मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है और गर्मी के मारे हो गई है हालत ख़राब। वैसे बारिश वगैरह तो हो रही है कई जगह बट अभी यहाँ पे नहीं हुई है। और फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उसमें पूछा था जैसे मैंने अपनी वीडियो में लिखा था कि आप हर एक्सरसाइज से कम 20 से 30 सेट करें, और अगर जो अभी अभी स्टार्ट करा है जिन्होंने तो 10 सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा सेट क्या होता है, मतलब 10 सेट 20 सेट ये इसका क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड इसका मीनिंग ये है, जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगा 10 के सेट, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने करी 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेट हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेट का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं करती हूँ अभी अपना ब्रेकफास्ट, और आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही हेल्दी सा होने वाला है। और तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा हेल्दी सा हो गया था ब्रेकफास्ट बन के रेडी। तो आज मैंने नमकीन दलिया बनाया था और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड ये, मूंग की दाल डाल के मैं बनाती हूँ। और फ्रेंड मैंने ना एक वीडियो में शेयर भी किया है इसकी रेसिपी वगैरह, अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी इसकी रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे बस फ्रेंड मैं अपनी पीहू को भी खिला रही थी साथ में और मैं भी खा रही थी, और उसके बाद ही डायरेक्ट फ्रेंड मैं मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में, क्योंकि आज फ्रेंड मेरी सिस्टर आई थी और फिर टाइम भी नहीं मिला आपसे बात करने का। तो बस मैं आज खाना बनाने में ही लगी रही, और घर में थोड़ा सा कुछ काम वगैरह भी चल रहा था बट उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। तो आज के फ्रेंड मैंने लंच में बनाए थे दाल चावल, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी दाल चावल पसंद है और हस्बैंड को तो है ही। तो यहाँ फ्रेंड बस मेरा हो गया था खाना बन के रेडी और प्लेट वगैरह मैंने लगा दी थी। तो हम सब ना साथ में बैठ के ही खाना खा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था जो हम सब साथ बैठ के खाना खा रहे थे। और ना मेरे हस्बैंड भी साथ में ही बैठे थे बट वो वीडियो में नहीं आते तो इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। और उसके बाद ही फ्रेंड मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ अपने नाइट के टाइम में, क्योंकि ना आज फ्रेंड मतलब आप आगे वीडियो में देखना आपको पता चल जाएगा। तो बस खाना वगैरह बन गया था, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी और रोटी वगैरह मैंने फ्रेंड मतलब खाना बना के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ऐसी मतलब कि 7:30-8 का टाइम था और मेरा खाना आज मैंने जल्दी बस बना के रख दिया था फटाफट से। अभी फ्रेंड्स टाइम हो गया है नाइट का और हम हो गए हैं रेडी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बस छोटा मोटा सा ही बच्चों की खुशी के लिए। तो आज है फ्रेंड्स मेरी पीहू का बर्थडे, तो ज़्यादा कुछ बड़ा हम नहीं कर रहे हैं, तो छोटा सा केक वगैरह लाके बस बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या है बस। तो देखिए यहाँ हो गई है मेरी पीहू रेडी है। अच्छा तो फ्रेंड्स आप सब अपनी प्यारी प्यारी और बेस्ट विशेस देना मेरी छोटी सी प्यारी सी एंजल को। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम कर लेते हैं केक कटिंग, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था फ्रेंड, क्योंकि घर में कुछ काम वगैरह चल रहा था इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में और करते हैं केक कटिंग।
हाथ पकड़ो, मैं बना रही हूँ छोटी सी वीडियो उसकी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना चला देना इसमें, हैप्पी बर्थडे तो बन रही वीडियो। अच्छा कैसे हो रहा है, टू बोल रहा है इतना बड़ा मुनी आकड़ा मुका थोड़ा खा ले, चल बस हट जाए, हम खुद ही खा लो। तो अभी फ्रेंड्स मेरा डांस वगैरह हो गया, मतलब मेरा ही नहीं सबका ही, थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह किया था हमने। और मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई है, मम्मी को छुट्टी नहीं मिली थी तो इसलिए मम्मी आई नहीं है, तो बस घर में ही छोटा सा सेलिब्रेट किया है बच्चे की खुशी के लिए। तो बस फ्रेंड एक डांस करने से भी हमारी बॉडी में पसीने वगैरह आते हैं तो उससे भी हमारा वेट रिड्यूस होता है, तो डांस भी करें फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत डांस करती हूँ बट अभी गर्मी की वजह से मैं नहीं कर रही, बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का। तो चलिए अभी करते हैं हम खाना एंजॉय अपना। और आज खाने में हमने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हमारा आज का खाना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा हो गया है रात का डिनर रेडी। तो आज फ्रेंड्स मैंने डिनर में आलू की सब्जी बनाई है, टमाटर और थोड़ी सी खीर बनाई है। तो फ्रेंड्स देखिए बर्थडे के दिन भी मैंने कोई भी ऑयली खाना नहीं बनाया, बहुत ही सिंपल सा अपना खाना बनाया है। और खीर मैं ये बच्चों को दूंगी अभी क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी कर लेती हूँ अपना खाना एंजॉय और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लिए थे और उसके बाद सब फिर खाना खाने लगे थे। तो सिस्टर खाना खा के बैठ गई थी और बस बच्चे और मैं मेरे हस्बैंड तो साथ में खा रहे थे। हम डिनर वगैरह हो चुका है और आपने देखा आज का मेरा कितना सिंपल सा डिनर था फ्रेंड, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरी वगैरह तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं ऑयली वगैरह नहीं खाती हूँ अभी। और मेरे हस्बैंड को भी पूरी वगैरह पसंद नहीं है, पता नहीं घर के तो बिल्कुल भी नहीं है, बाई चांस कभी होता है तो खा लेते, वो भी ठंड के मौसम में, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं खाते ना पराठे वगैरह और ना पूरी। तो बस अभी ना बस बच्चों का तो मन था पूरी वगैरह का, पर फ्रेंड फिर कोई खाता नहीं, ना तो मेरी सिस्टर मैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बोला तो मैं कहने लगे कि मेरे हस्बैंड के चलो नेक्स्ट डे बना देना बच्चों के लिए, कोई बात नहीं जब फिर स्पेशल क्या अलग से बच्चों के लिए कढ़ाई वगैरह रखोगे। तो गर्मी भी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो बस फ्रेंड्स हमारा डिनर वगैरह हो गया हेल्दी सा। और फ्रेंड्स मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं आप सबके, तो इतने सारे कमेंट का रिप्लाई देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का मैं अच्छे से रिप्लाई करूँ। तो एक कमेंट आया था मेरे पास पंजाबी लैंग्वेज है तो वो मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए माफ़ कर देना, मैंने इसका रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। तो अगर किसी को आती हो ये पंजाबी समझ तो प्लीज़ मुझे बता देना कि इसका मीनिंग क्या है। और जो नेक्स्ट कमेंट आया था मेरे पास सोनी वर्मा सिस हैं, मेरा बैली फैट बहुत ज़्यादा हो गया है दी, इस एक्सरसाइज को कितनी बार करूँ दिन में? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड के दिन में आपको बहुत ज़्यादा करना है, तो मैं सिर्फ आधे घंटे करती हूँ, आप एटलीस्ट कम से कम जितना आपसे हो सके उतना करें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10 मिनट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें आप, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं ना वो ऊपर नहीं उठते, अगर बैली फैट ज़्यादा है ना तो वो हमारा ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे जो पैर, वो हमारे पेट से नीचे नीचे ही रहेगी, क्योंकि पेट ज़्यादा होता है बैली फैट तो वो वहाँ पे अड़ जाते हैं पेट पे। तो फ्रेंड इसलिए 10 मिनट से स्टार्ट करें आप। और 30 सेट मीन्स कितनी बार? तो मैंने 30 सेट मीन्स मतलब कितनी बार 30 मिनट
और 10-10 के सेट आप कर सकते हो, और सेट का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि सेट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स। और एक कमेंट और आया था मेरे पास, 32 बार का मतलब क्या है, आपके वीडियोस नाइस मैम। थैंक यू सो मच सिस्टर, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो 32 बार का मीनिंग है, हम कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, या हम सैलेड्स खा रहे हैं, तो उसको ना हमें 32 बार चबा के खाना है। मतलब हम जैसे खाना खाते हैं और जब तक वो हमारे मुंह में अच्छे से लिक्विड ना हो जाए, जैसे हमारी जो राल आती है खाने के साथ साथ हमारे मुंह में एक राल बनती है, तो उसमें जब तक वो मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे अच्छे से ना हो जाए मतलब, तो तभी हमको उसको अंदर निगलना है, अपने गर्दन के अंदर से निगलना है। जैसे सटकना बोल देते हैं, निगलना बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाए जा रहे फटाफट सटक रहे हैं, खा रहे हैं, निगल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो वो खाना हमको डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 32 बार का ये मीनिंग है कि आप उसको अच्छे से चबा के खाइए 32 बार। और नेक्स्ट कमेंट भी यही आया है मेरे पास, प्रांसी केसरी वानी, 32 बार फॉर्मूला क्या है प्लीज़ टेल। तो फ्रेंड मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई दे दिया, दोनों ही सेम कमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज फ्रेंड मेरी प्यू का बर्थडे भी था तो छोटा सा सेलिब्रेट भी कर दिया है मैंने। और फ्रेंड्स एक मतलब कि सरप्राइज़ है, मतलब सरप्राइज़ भी नहीं है, बट मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं और मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपको प्यारी लगती हो तो प्लीज़ अपनी बॉडी पे आप इसको ट्राई करिए, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप सबको फ्रेंड, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया है और मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, सबसे ज़्यादा बेली फैट कम हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मेरी व्यू को बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग देना फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ऐसे ही करते रहना। चलिए तो मिलती हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।